और आज मैं आ चुका हूँ धानोरी हिल्स में। बाकी मौसम आप देख ही रहे हैं कि पूरे बादल लगे हुए हैं, जो व्यू आता है वो बहुत ही औसम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये DY पाटिल कॉलेज है, ये है वर्ल्ड प्राइड सिटी की बिल्डिंग और ये है आपका ट्रैकिंग का रास्ता। इसके दूसरा साइड दिखाता हूँ जो धानोरी का एरिया है, आप देख सकते हो पूरा धानोरी हिल्स का होना डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है। भी मैं चाहता हूँ एक मैसेज इस वीडियो के थ्रू मैं पहुंचाना चाहता हूं कि यहां पर डेफिनेटली इट्स अ वर्थ प्लेस टू ट्रैक। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनोज शर्मा और आज मैं आ चुका हूं धानोरी हिल्स में। बाकी मौसम आप देख ही रहे हैं कि पूरे बादल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से पुणे का टेम्परेचर काफ़ी राइज हो चुका था, ऑलमोस्ट 40 डिग्री के सेल्सियस तक तो था ही, बहुत गर्म था। आज डेफिनेटली इट्स अ रिलीफ, कंप्लीट रिलीफ। और उसी के चलते मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर धानोरी हिल्स में काफ़ी क्राउड आया हुआ है। अमूमन इतना क्राउड नहीं आता है, आजकल समर डेज़ में काफ़ी गर्मी रहती है तो अमूमन सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में ही आता है क्राउड यहाँ पर, बट आज काफ़ी क्राउड आया हुआ है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हेयर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, अभी पूरा ट्रैक नहीं किया मैंने यहाँ, हालाँकि आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये ऊपर के लिए जाता है ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही औसम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये DY पाटिल कॉलेज है और ये है वर्ल्ड प्राइड सिटी की बिल्डिंग और ये है आपका ट्रैकिंग का रास्ता। और दोस्तों ये हिल्स के दूसरा साइड दिखाता हूँ जो धानोरी का एरिया है, ये आप देख सकते हो पूरा पूरी सोसाइटीज आ चुकी हैं यहाँ पे, इट्स कम्प्लीटली कॉन्क्रीट दैट हैज राइजन अप। मेरा मानना है दोस्तों, इतनी सारी कॉन्क्रीट और सोसाइटीज़ के बीच में धानोरी हिल्स का होना डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है। मैं जितने भी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, हालांकि काफ़ी जागरूक हैं यहाँ पे लोग, बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक मैसेज इस वीडियो के थ्रू मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ, इस एरिया को स्वच्छ रखें, जिसमें जब भी जो दूसरे विजिटर्स भी आएँ, दूसरे ट्रैकर्स भी आएँ, उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। बाकी डेफिनेटली इट्स अ वर्थ प्लेस टू ट्रैक। ऐसे लैंडस्केप का होना दोस्तों डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है, तो इस ब्लेसिंग को हमें अच्छे से रखना है, इसलिए यहाँ का जितना भी आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसे हमें साफ रखना है। ये ट्रैक मैं अभी कंप्लीट तो नहीं कर रहा हूँ, बट यस नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो डेफिनेटली आई विल कम्प्लीट दिस ट्रैक और इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दूंगा मैं, कितना लंबा ट्रैक है ये। बट डेफिनेटली जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट हार्ड, मतलब डेफिनेटली मॉर्निंग में आप वॉक के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, और विंटर्स में तो मैंने बहुत बार देखा है कि अच्छा खासा क्राउड आता है यहाँ पर। समर में मुझे लगता है थोड़ा सा क्राउड थोड़ा सा लेस हो चुका है, वो भी शायद अर्ली मॉर्निंग में आता होगा क्योंकि डे टाइम्स में पुणे का टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद डे टाइम पर कोई आता होगा। बट डेफिनेटली दोस्तों लेट मी कवर, आई विल कवर ऑल दी लैंडस्केप्स है देयर, आपको मैं डेफिनेटली विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट इट।